पहले गोंडा में गाड़ी चढ़ाई, अब बलिया में नेवी जवान की पिटाई। क्या बीजेपी कार्यकर्ता हवा में उड़ रहे हैं? 4 जून को नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या भगवा पहनकर कोई आपके घर में घुस जाएगा? मामला बड़ा है। न आम जनता की जिंदगी की चिंता, न सेना के जवान का सम्मान, मुसलमान ही नहीं हिंदू भी हुआ परेशान। क्या गले में भगवा गमछा लेकर चलने का मतलब ये है कि आपके पास SPG वाली पावर आ गई? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि कुछ भी करेंगे तो बच जाएंगे? गोंडा से लेकर बलिया तक से जो तस्वीर सामने आई है वो इसी बात की गवाही देती है। पहले गोंडा में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे पर 2 लोगों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा, इसका वीडियो सामने आया। अब बलिया से एक नेवी जवान की पिटाई की खबर सामने आई है। FIR की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा मामला राजनीतिक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि जो पार्टी सेना के सम्मान की बात करती है, जिसके बड़े बड़े नेता सेना के साथ होली दिवाली मनाते हैं, सेना को सर्वोपरि मानते हैं, उसकी पार्टी के कार्यकर्ता एक सेना के जवान पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? ये उस FIR की कॉपी है जिसमें नेवी जवान के पिता ने पूरी घटना का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया है। मैं संतोष कुमार सिंह, पुत्र स्वर्गीय राम अवध सिंह, कर्ण छपरा, थाना दोकती, जनपद बलिया का निवासी हूँ। चुनावी रंजिश को लेकर सुरेंद्रनाथ सिंह के बेटे विद्याभूषण सिंह उर्फ हजारी सिंह ने मुझे 3 दिन पहले धमकी दी थी कि अपने लड़के ऋतुराज सिंह को मना कर दो, वो पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह के साथ प्रचार प्रसार करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 29 मई 2024 को सुबह करीब 10 बजे NH 31 पर सुरेंद्रनाथ सिंह, उनके बेटे विद्याभूषण, अभय सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, रितेश सिंह, प्रभंजन प्रताप सिंह और धनंजय सिंह ने लोहे की रॉड, लाठी, डंडे आदि से ऋतुराज पर हमला कर दिया। उसे बचाने आए गांव के दिवेश कुमार को भी घायल कर दिया। पिटाई से ऋतुराज की हालत गंभीर हो गई, बाद में पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। खुद ऋतुराज ने ये कहा है कि करीब 30 लोगों ने मिलकर मेरे हाल ऐसा किया क्योंकि मैंने उनका चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया। लोकतंत्र में सबको इस बात का अधिकार है कि वो चुनाव लड़े या किसी का चुनाव प्रचार करे। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकता तो फिर नेवी जवान पर ऐसा दबाव क्यों बनाया गया? सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो मोदी योगी की उस छवि को खराब करना चाहते हैं जो बरसों मेहनत करके इन्होंने बनाई है। आज UP का कोई माफिया हो या छोटा मोटा अपराधी, ये सोचकर गलती करने से बचता है कि कहीं बाबा का बुलडोजर ना आ जाए। पर अब जब BJP के अपने ही लोग ऐसा करेंगे तो फिर आम जनता के मन में सुरक्षा की भावना कैसे आएगी? क्या बाबा का बुलडोजर उन बिगड़ैल कार्यकर्ताओं के घर भी जाएगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी आए तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं होगा? ऐसी तस्वीर देखने के बाद क्या वो हिंदुओं की सुरक्षा पर कुछ कह पाएंगे? जिस बलिया से ये तस्वीर सामने आई है, वहाँ के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के रसूख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्टी ने इनका टिकट काटा तो इन्होंने बागी रुख अपना लिया था और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दोबारा से इन्हें BJP ने पार्टी में शामिल करवा लिया। बलिया की जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सुरेंद्र नाथ सिंह की छवि कितनी अच्छी और कितनी दागदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।